नमस्कार दोस्तों, आपने हमारे पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर आपको कोई 8 बिट का डेटा वर्ड दिया हुआ है तो उसके लिए आप हैमिंग कोड किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डेटा वर्ड दिया हो, मैंने आपको बताया भी था कि पैरिटी बिट्स कैसे निकालते हैं, तो आप किसी भी डेटा वर्ड के लिए हैमिंग कोड जनरेट कर सकते हैं। तो हमने ये हैमिंग कोड जनरेट किया था 8 बिट के डेटा वर्ड के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, अब हमें इस कोड को बेसिकली ट्रांसमिट करना है या फिर इसे मेमोरी से रीड करना है। तो उस दौरान अगर कोई एरर हो जाता है तो उस एरर को हमें चेक करना है, और चेक करने के बाद उसे हमें बेसिकली करेक्ट भी करना है, मतलब डिटेक्ट करना है और उसके बाद फिर उसे करेक्ट भी करना है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि आप एरर को किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे और उसके बाद कैसे करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये डेटा हमने ट्रांसमिट किया है और रिसीवर साइड पर हमें सेम यही डेटा रिसीव भी हुआ है, कोई एरर नहीं हुआ है। इनिशियली हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि कोई एरर नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको वही बिट पोजीशन लिखनी होगी, और 12 बिट पोजीशन है, 12 बिट का डेटा है। ठीक है ना, क्योंकि अब तो इसमें हैमिंग कोड बन गया ना, 4 पैरिटी बिट लग गई, 8 बिट का डेटा था, 12 बिट का हो गया। तो रिसीवर साइड पर तो ये पूरा का पूरा डेटा आपको मिलना है विद पैरिटी बिट्स, तो इस पूरे के पूरे डेटा को आपको बिट पोजिशंस पर लिख लेना है। ठीक है ना, तो ये आपने लिख दिया 0 0 0। ठीक है ना, उसके बाद 1 1 0 1 1 0, देन 1 1 1 1 1, उसके बाद 0 1 1 लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसके बाद आपको निकालनी होती है चेक बिट्स। ठीक है, इसके बाद आप निकालेंगे चेक बिट्स। तो चेक बिट्स के लिए, चेक बिट्स आपको निकालनी है, चेक बिट्स, तो जैसे आपने पैरिटी बिट निकाली थी उसी तरीके से आपको चेक बिट भी निकालनी है। तो C1 निकालेंगे आप, तो C1 इज इक्वल टू होगा आपका XOR ऑफ बिट्स। अब देख लीजिए इसमें क्या क्या होता है, तो पैरिटी बिट हमने निकाली थी तो XOR हुआ था 3 5 7 9 11, ये आपको पता है किस तरीके से, यहां से हमने देख के बताया था। तो जो चेक बिट निकालेंगे तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा वो आप देख लीजिए। चेक बिट निकालने में जो हमने 1 को यहाँ पर छोड़ा था, यहाँ पर देखिए 1 पर ही 1 आ रहा था लेकिन हमने 3 से स्टार्ट किया था, तो चेक बिट में वो 1 और आ जाता है। ठीक है ना, बाकी सेम वही है, सिर्फ 1 ऐड हो गया। ऐसे C2 में 2 भी आ जाएगा, बाकी सब इतना सा डिफरेंस है। तो आपको पैरिटी बिट की अगर ये याद है और समझ में आते हैं तो आप चेक बिट के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो इसमें आएगा XOR ऑफ बिट्स 1 3 5 7 9 11, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 पर क्या है 0 एक्सोर विद, 3 पर 0 एक्सोर विद, 5 1 एक्सोर विद, 7 1 एक्सोर विद, 9 एक्सोर विद आपका 11। ठीक है, नंबर ऑफ वंस देखिए, नंबर ऑफ वंस इवन है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक्सोर ऑपरेशन है। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है C2, तो C2 इज इक्वल टू एक्सोर ऑफ बिट्स, तो C2 है तो 2 से ही स्टार्ट होना है, 2 उसके बाद 3 6 7 10 11। ठीक है, तो 2 है 0 एक्सोर विद 3 एक्सोर विद 6 0 एक्सोर विद 7 1 एक्सोर विद 10 10 पे देखिए 0 एक्सोर विद 11 1। तो नंबर ऑफ वंस देखिए 2 है तो इसका मतलब 0 आएगा। ठीक, उसके बाद आपको निकालना है C4, C4 इज एक्सोर ऑफ बिट्स 4 5 6 7 और 12। ठीक है, 4 5 6 7 देखिए 1 एक्सोर विद 1 एक्सोर विद 0 एक्सोर विद 1 एक्सोर विद 12, 12 पे 1। तो नंबर ऑफ वंस देखिए इवन है, 4 है तो 0 आएगा। उसके बाद आपको निकालना है C8, एक्सोर ऑफ बिट्स 8 9 10 11 12। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए 8 1 एक्सोर 9 1 एक्सोर 0 एक्सोर 1 एक्सोर 1। आप सोचे होंगे सर ये एक्सोर एक्सोर लिखना है कि, हाँ लिखना है। ठीक है ना, ये हमें करना है बेसिकली, डायरेक्टली नहीं आपको लिख देना है कि ये लिखा और डायरेक्टली आंसर रख दें, ये आपको दिखाना है। ठीक है, तो नंबर वंस
इवन है तो जीरो आ गया। अब आप सोचे होंगे ये तो सारे जीरो आ गए, ये सारे जीरो आ गए, ये क्या हुआ, ये जीरो ही आने चाहिए क्योंकि जो डेटा हमने लिया है उसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, और एरर नहीं है तो जीरो ही आने चाहिए। तो बेसिकली इसका क्या मीनिंग है वो हम समझ लेते हैं। तो जब ये सारे चेक बिट्स आप निकाल लेते हैं तो हम इसे इस तरीके से लिखते हैं कि सी इज इक्वल टू, आपको ऐसे लिखना है सी इज इक्वल टू सी एट सी फोर सी टू सी वन, ठीक है। तो सी एट की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, जीरो, इसे मैंने यहाँ पर लिखा जीरो, सी फोर की वैल्यू आई है जीरो, सी टू की वैल्यू आई जीरो और सी वन की जीरो, ठीक है। तो इससे क्या बाइनरी बन रहा है, इससे क्या बाइनरी बन रहा है, बेसिकली जीरो का बाइनरी बन रहा है। तो हम कह सकते हैं सी इज इक्वल टू क्या है, जीरो। तो जब जो कोड वर्ड ये बन गया बेसिकली जो है इससे कंबाइंड जो चेक वर्ड से हम निकाल रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू जीरो आती है, ठीक है ना, अगर इसकी वैल्यू जीरो आती है इसका मतलब ये है कि कोई एरर नहीं हुआ है, जो डेटा ट्रांसमिट किया गया था वही रिसीव हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि जो डेटा मेमोरी में राइट किया गया था वही हम रीड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई एरर नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये सी की वैल्यू अगर नॉन जीरो आती है तो उससे पता चलता है कि कुछ एरर हुआ है, ठीक है, तो वो हम चेक करके देख लेते हैं। अब मैं केस दूसरा ले रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे को तो पता है कि ये डेटा मैंने जनरेट किया था, अब मान लीजिए कि इसमें हमको चेंज कर देते हैं, किसी भी बिट पे आप चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपने चेंज कर दिया, फिफ्थ बिट पे चेंज कर दिया, सपोज फिफ्थ बिट है उस पे हमने मान लिया कि यहाँ पर वन था एक्चुअल में, लेकिन वन की जगह हम इसे जीरो कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, कि एरर की वजह से, नॉइस की वजह से जो फिफ्थ बिट है 1 2 3 4 5 ये वाली बिट है, ये वन की जगह क्या हो गई, जीरो हो गई, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चेंज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो हमने ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किया, या रिसीवर साइड पर जो फिफ्थ वाली बिट पे हमें क्या रिसीव हुआ है, जीरो, ठीक है। तो मैंने इसे कर दिया कि ये वन नहीं रिसीव हुआ, मेरे को हुआ है ये जीरो, ठीक। अब मेरे को ये पूरा चेक बिट्स हैं वो जीरो के हिसाब से निकालनी पड़ेंगी, ठीक। एक्चुअली डेटा वही था जो है, लेकिन रिसीव ऐसा हुआ है कि यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। तो अब हमें तो पता है फिफ्थ बिट पे ये एरर हो रहा है, तो फिफ्थ बिट पे यही हमें आइडेंटिफाई करना है, बेसिकली सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कोई एरर हुआ है, उसके बाद हमें ये भी पता करना है कि किस बिट पोजीशन पे वो एरर हुआ है। तो आपको आसानी से याद रहेगा क्योंकि आपने खुद एरर जनरेट किया है समय फिफ्थ बिट पे, तो आपको पता है कि फिफ्थ बिट पे ही एरर आना चाहिए, अगर हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उससे फिफ्थ बिट का एरर निकल आता है तो ये है क्या, हाँ कैलकुलेशन हमारी सही है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर किस किस में चेंज आएगा, यहाँ पर 5 है, यस यहाँ 5 है थर्ड वाला, तो ये 0 हो जाए, तो 0 होने की वजह से इसमें क्या अंतर आएगा कुछ, यस नंबर ऑफ वन सब क्या है ऑड हो गए, तो ये 1 की जगह क्या हो जाएगा, 0 की जगह क्या हो जाएगा 1, ये चेंज हो गया। इसमें 5 है नहीं है तो ये तो यही रहेगा, ठीक। उसके बाद इसमें 5 है, यस यहाँ 5 है तो ये 0 हो गया है, तो ये 0 हो गया तो नंबर ऑफ वंस क्या हो गए, ऑड हो गए, तो ये आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 है नहीं तो ये यही रहेगा। तो अब जो कोड वर्ड था बेसिकली उसमें क्या फर्क आएगा, देखिए सी एट की जगह क्या है, 0 है, ठीक है, सी फोर पे 1 हो गया है, ठीक, और सी टू पे क्या हो गया, 0 हो गया है और ये 1 हो गया है। अब आप मेरे को बता सकते हैं कितने का बाइनरी है, 1 2 4 के हिसाब से, तो ये कितने का बाइनरी है, 5 का, 5 का है कि नहीं, 5 का बाइनरी है, तो ये 5 का बाइनरी है। तो इससे ये पता चल गया कि फिफ्थ बिट है उसमें एरर हुआ है, देखिए। तो यहाँ आप जिस बिट में भी चेंज करके कैलकुलेशन करेंगे ना उसी का बाइनरी आ जाएगा, तो इससे हमें ये डिटेक्ट हो जाता है कि एरर कौन सी बिट पे हुआ है, क्लियर है। तो आपने एरर डिटेक्शन सीख गए कि आप हैमिंग कोड से एरर डिटेक्शन किस तरीके से कर रहे हैं। अब डिटेक्शन हो गया तो उसे करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू करेक्ट एरर जस्ट कॉम्प्लीमेंट द एरर बिट, तो करेक्ट करना बड़ा आसान है, आइडेंटिफाई करने में बड़ा टाइम लगा था, अब देखो करेक्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। आपको पता चल गया कि फिफ्थ बिट पर एरर हुआ है तो उसे करेक्ट करने के लिए क्या करना है, जो बिट वहां पर प्रेजेंट है उसे चेंज कर देना है। मतलब ये है कि ये यहाँ पर 0 है इस समय, तो 0 को काट के क्या कर देना है, 1 कर देना है, तो 1 हो गया, एरर करेक्ट हो गया। तो एरर को करेक्ट करने में समय नहीं लगा,
जस्ट आपको एरर को आइडेंटिफाई करने में समय लगा। क्लियर है? तो आप एरर करेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज आप यहां देखें कि ये जो जितना अभी तक आपने पढ़ा उससे आप सिर्फ 1 बिट का एरर डिटेक्ट कर सकते हैं और 1 बिट का एरर करेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं दो जगह पर अगर एरर एक साथ कर देता हूं, ठीक है ना, 2 बिट पर एक साथ मैं एरर कर देता हूं तो आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 1 बिट एरर डिटेक्शन के लिए ठीक है और 1 बिट एरर करेक्शन के लिए ठीक है। अगर 1 बिट से ज्यादा एरर अगर होता है तो उस केस में हमें कुछ पैरिटी बिट्स और बढ़ानी पड़ती हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा और बताऊंगा कि सिंगल एरर करेक्शन एंड डबल एरर डिटेक्शन, कि सिंगल बिट का एरर आप करेक्ट कर पाएं और डबल एरर आप डिटेक्ट कर पाएं, उसके लिए करना होगा। तो जो हैमिंग कोड है बेसिकली दैट कैन डिटेक्ट ओनली सिंगल एरर, ठीक है ना, बाई एडिंग अनदर पैरिटी बिट टू द कोडेड वर्ड। जो कोडेड वर्ड था उसमें अगर एक और पैरिटी बिट जोड़ दी जाए तो हैमिंग कोड कैन बी यूज्ड टू करेक्ट अ सिंगल एरर एंड डिटेक्ट डबल एरर। तो वो किस तरीके से किया जाता है तो वो आप समझ लीजिए। तो मैं वापस उसी एग्जाम्पल पर जा रहा हूँ जो हमने हैमिंग कोड जनरेट किया था। तो ये कोड जनरेट किया था 12 बिट का आ गया था, ठीक है ना। तो इस 12 बिट का जो वर्ड है आपको क्या करना है, इस 12 बिट का वर्ड है इसी इसका पूरा सारी बिट्स को लेके एक्जोर ऑपरेशन करना है, और एक्जोर ऑपरेशन करने के बाद एक लास्ट में एक यहाँ पर बिट और ऐड करनी है, P13 जो बिट है, ठीक है, उसे ऐड करना है। तो अभी जो डेटा है वो आपका हो गया, दिस इज 0 0 0, ठीक, 1 1 0 1 1 1 0 1 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहां पर एक बिट और है P13, ये बिट। तो जो P13 है वो बेसिकली क्या है, एक्सोर ऑफ ऑल 12 बिट्स, ठीक है। ये सारी बिट्स का हमें एक्सोर ऑपरेशन करना है। तो देखिए नंबर वंस क्या है यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 ऑड है, ठीक है। तो P13 की वैल्यू पर्टिकुलर इस केस में क्या आ जाएगी, P13 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब जो आपको ट्रांसमिट करना है, अब जो ट्रांसमिट करना है वो आपका वर्ड हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। ये आप ट्रांसमिट करेंगे 13 बिट का वर्ड। तो 13 बिट का आप वर्ड ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, 13 बिट का वर्ड ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब रिसीवर एंड पर अब आपको क्या चेक करना पड़ेगा, रिसीवर एंड पर बेसिकली आपको दो चीज़ चेक करनी है। एक तो सी निकालना है, सी जो हमने आपको निकालना बताया उसी मेथड से आपको निकालना है। आपको इस समय पता है कि जो लास्ट बिट है बेसिकली वो पैरिटी बिट है, ठीक है ना। तो शुरू की जो आपकी 12 बिट्स हैं उनसे तो आप सी निकाल लेंगे, सी निकल आएगा। उसके बाद बाकी जो ऑल 13 बिट्स हैं उससे आप पी निकालेंगे। पी इज इक्वल टू है इस समय, पी इज इक्वल टू एक्सोर ऑफ ऑल 13 बिट्स, ठीक है, ऑल 13 बिट्स। और ये जीरो आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आएगा इसका मतलब ये है कि पैरिटी बिट यहाँ पर कोई एरर नहीं हुआ है, ठीक है ना। और अगर वन आ गया इसका मतलब ये है कि ऑड पैरिटी चेंज हो गई। ये इस समय हमने इवन पैरिटी के साथ हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चार केसेस हो सकते हैं, क्या है, पहला केस है अगर सी जीरो आता है, जो कोड वर्ड हमने निकाला है सी जीरो आता है और पी जीरो आता है। पी कैसे निकालना है, इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है ना। 12 बिट का यूज नहीं करना है, पी के लिए 13 बिट का यूज करना है और सी के लिए 12 बिट का यूज करना है। तो अगर सी जीरो आता है और पी जीरो आता है, अगर दोनों ही जीरो आ रहे हैं तो कोई एरर नहीं हुआ है, नो एरर अकर्ड, ठीक है। अगर सी नॉन जीरो आता है और पी वन आता है तो उस केस में सिंगल एरर अकर्ड, एक कोई एरर हुआ है, दैट कैन बी करेक्टेड है। अगर एक एरर होगा तो उसे हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सी नॉन जीरो आ रहा है और पी जीरो आ रहा है तो डबल एरर हुआ है, ठीक है ना, दैट इज डिटेक्टेड बट कैन नॉट बी करेक्टेड। डबल एरर हुआ है उसे हम डिटेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन हम उसे करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर सी इज इक्वल टू जीरो और पी इज इक्वल टू वन आता है तो उस केस में क्या है कि जो बेसिकली पैरिटी बिट हमने ऐड की है उसी में एरर हो गया है। सी तो जीरो है, ये तो 12 वाली थी और इसी में ही इसकी वजह से ये 1 आ रहा है, इसका मतलब ये बिट ही चेंज हो गई है, ठीक है ना। तो एन एरर अकन पैरिटी बिट P13। तो इस तरीके से आप एक
एडिशनल पैरिटी बिट ऐड करके जो एरर डिटेक्शन है उसे डबल कर सकते हैं, ठीक है ना। करेक्शन तो आप सिंगल ही कर पाएंगे, तो क्लियर है। तो आप आसानी से अब कोई भी अगर आपको हैमिंग कोड दिया हुआ है उसमें एरर डिटेक्ट कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।